अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आप पबजी लवर हैं, अगर आपको पबजी खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप पबजी मोबाइल को कैसे अपने पीसी पर खेल सकते हैं, यानी आप एमुलेटर पे कैसे खेल सकते हैं, कैसे आप एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा एमुलेटर जो है दुनिया का बेस्ट एमुलेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था। कोई मेरा ज़ाती शौक तो नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आपकी जानिब से इतनी ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक के बारे में कि यार हमें बताओ कि कौन सा एमुलेटर जो है सबसे बेस्ट एमुलेटर है और किस तरह पबजी मोबाइल को जो है पीसी पर खेला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी के दो वर्जन्स हैं, एक पबजी मोबाइल और एक पबजी पीसी। तो पबजी मोबाइल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है और ज़्यादा लोग पबजी मोबाइल ही खेलते हैं, तो चलिए देर नहीं करते और जानते हैं कि पबजी को अपने पीसी पर डाउनलोड करके कैसे आप एमुलेटर पर चला सकते हैं और कौन सा एमुलेटर बेस्ट एमुलेटर है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट है 5000 लाइक्स और मुझे पक्का यकीन है कि आप अपनी मोहब्बत की दौलत 5000 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी मजे की वीडियोज जो लाते रहते हैं। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको टाइम से पता चल सके। दोस्तों पबजी मोबाइल को अपने पीसी पर चलाने के लिए सिंपली सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र से हम एक एमुलेटर डाउनलोड करेंगे और सबसे पहले हम टाइप करेंगे Tencent, Tencent। जब आप Tencent टाइप करेंगे तो Tencent टाइप करने के बाद जो पहला ही लिंक होगा Tencent गेमिंग बडी, आपने Tencent गेमिंग बडी जो है इसको लिंक को खोलना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा और यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन है काफ़ी ज़्यादा विजिबल आपको बना नज़र आएगा। आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है, और मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और आप भी जब डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपने डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो रन करते हैं जी, और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने किसी स्पेसिफिक जगह पर इसको स्टोर करना है, इसको इंस्टॉल करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ये विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद देखें ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा और आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये एमुलेटर जो है वो अपनी असल हालत में जो है खुल चुका है, लेकिन अभी भी जो कुछ फाइल्स हैं बैकग्राउंड पे जो है इंस्टॉल हो रही हैं, आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद कुछ मज़ीद फाइल्स जो हैं वो इसको इंस्टॉल करेगा और थोड़ा सा आपको मज़ीद वेट करना होगा ताकि इसकी जो बैकेंड इंस्टॉलेशन है वो मुकम्मल हो जाए। जो भी फाइल्स इसको रिक्वायर्ड हैं ये ऑनलाइन अपने सर्वर से जो है वो ले रहा है। तो जनाब इंस्टॉलेशन के बाद आपको वो पूछेगा कि आपने जो पबजी है वो किन सेटिंग्स पर खेलनी है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर तो आपके पास जो कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिक सा है, बिल्कुल कोई अच्छा कंप्यूटर नहीं है, ना ही बड़ा कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आपने SD720 पर इसको रहने देना है बाई डिफ़ॉल्ट। और अगर आपके पास कंप्यूटर ज़रा बेहतर है और ये साथ में कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी दी हैं कि अगर आपके पास GTX 660+ ग्राफिक कार्ड्स मौजूद हैं या उससे मिलता जुलता कोई ग्राफिक कार्ड मौजूद है तो आप 1080p में भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी GTX 1060+ ग्राफिक कार्ड आपके पास लगा हुआ है, तो आप Ultra HD 2K में भी इसको खेल सकते हैं। तो मेरे पास ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है और मेरा कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं Ultra HD 2K सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद सेव कर दूँगा। तो दोस्तों सब चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा और पबजी मोबाइल पर क्लिक करूँगा एक बार, और इसके बाद इसको दोबारा मैक्सिमाइज़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसा इंटरफेस नज़र आएगा। और चलिए गेम शुरू करके चेक करते हैं, खेल के चेक करते हैं कि कैसा नज़र आएगा इंटरफेस। और एक आपको बात और मज़ीद बता दूं कि अगर आप मोबाइल पर पबजी खेलते रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा पहली बार एमुलेटर पर खेलते हुए, लेकिन एक बात का यकीन रखिए कि अगर आप एमुलेटर पर खेलना सीख लेते हैं तो एमुलेटर पर खेलना काफ़ी ज़्यादा आसान है मोबाइल की निस्बत। तो चलिए जी चेक करते हैं इस पर खेल के। तो जी हाँ जनाब, इस पर आप या तो ट्विटर की आईडी लगाएंगे या फेसबुक की आईडी लगाएंगे, ये दो ही ऑप्शन हैं। और अगर आप चाहें तो एज़ अ गेस्ट भी खेल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि फेसबुक आईडी आप यूज़ कर लें अपनी, और फेसबुक आईडी को
यूज़ करने के लिए आप सिंपली जो इनका एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लें, आई एग्री, और उसके बाद यहाँ पर आपसे वो फेसबुक आईडी मांगेगा। तो आपने फेसबुक की आईडी का पासवर्ड या फेसबुक आईडी की जो ईमेल है रजिस्टर्ड वहाँ ये एंटर कर देनी है। और मैं एंटर करने जा रहा हूँ अपना फेसबुक आईडी, मेरा फेसबुक आईडी है asadali85, और ये बिल्कुल सही आईडी है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो asadali85 आईडी से मुझे ढूंढ सकते हैं फेसबुक पर, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा। और मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया है, तो चलिए लॉगिन करते हैं। और लॉगिन के बाद तो जनाब लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। और अब जो है हमारी पबजी जो है वो चलने जा रही है जनाब। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारी पबजी जो है वो चलने जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको गेम प्ले भी दिखाता हूँ, एक दो मिनट का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और PUBG के रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं कर तो यार वीडियो को भी लाइक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं सदरी, और आप देख रहे थे सदरी टीवी। अल्लाह हाफिज़।